अच्छा ये आपने भूतों की फिल्में देखी हैं? सॉरी रॉन्ग क्वेश्चन, आपने तो काम भी किया है, मैंने देखा है एक दो. एक्चुअली किया है. अच्छा बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं हॉरर फिल्में, लोगों को डर भी लगता है और देखने भी जाते हैं. मजा आता है. कई तो ये लौंडे लपाड़े टाइप होते हैं ना जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, ये पहले जाके देखाते खुद फिर अपने साथ वाली को ले जाते हैं. उनको पता है भूत यहाँ पे आने वाला था, धीरे से कंधा ऐसे कर देते कि अब ये मेरे को पकड़ेगी. ऐसा बहुत होता है हॉरर फिल्मों में. पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा जो भूतनी होती थी, मोमबत्ती लेके चलती थी ना, कहीं दीप चले कहीं दिल, उसके पीछे पीछे हीरो भी चला जाता था ना. फिर सडनली उसके कंधे पे हाथ आता ना, मैं यहाँ कैसे आ गया. अब पता नहीं सच में नींद में आता था वो या पकड़ा जाता था, तो इसलिए मुकर रहा, बहाने बना रहा है. अच्छा हॉरर शो में आप देखो भूत भूतनी के आने से पहले ना एकदम से शॉर्ट सर्किट होता है, फिर एकदम से लाइट चली जाती है. हाँ. इसके बाद भूतनी आती है. मुझे समझ में नहीं आता भूतनी अंधेरे में क्यों आती है. एक बार मेरे को परमीत सर बता रहे थे, कहते हैं अंधेरे में ना, नहीं मैं कुछ बोला. मैंने ऐसी बातों में पूछा उनसे, मैंने ऐसे क्यों आती है भूतनी अंधेरे में, कहते हैं वो अंधेरे में ना कोई भी चीज बुरी नहीं लगती. उनको पता नहीं किसने बताई ये चीज, उनको क्या पता. लेकिन आजकल की आप हॉरर फिल्में देखो, भूतनी देखो, इतनी ग्लैमरस होती है ना, ऊपर से गाने ऐसी गाती हैं, आओ कभी हवेली पे. जिसको भूतनी से डर भी लगता ना, वो एक बार तो कहता है जाके देखे सही हवेली में है क्या. ओह माय गॉड, मैं डर गया, प्लीज हग मी. खबरदार, दुर्गावती हूं मैं, सबका हिसाब लूंगी, तब तक ना तो मैं जाऊंगी और ना किसी को जाने दूंगी. कपिल तो भूतनी की बात कर रहा था, दूर रहे इससे यार. इतनी कॉर्पोरेट टाइप भूतनी. आ गए सोनी का अकाउंट्स डिपार्टमेंट हिसाब लेने, बताओ जो जो फल उठाए यहाँ से. मुझे एक चीज पूछनी है, तुम्हें मेरी याद आई, पिछले साल बस कुछ चार पांच बार आई हूँगी मैं बस. इस साल कैसा लग रहा है कपिल? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भूमि आपको देख के, और कसम से मैंने आपकी फिल्म का ट्रेलर भी देखा है, इतनी कमाल की भूतनी लग रही ना. मेरा दिल कर रहा है काश ये भूतनी मेरे से चिपट जाए. ये ऐसी मतलब भूतनी अच्छी, आई मीन मतलब कुछ चीजें ना कभी नहीं बदलती, कभी नहीं बदलती. यहाँ पर एक्ट्रेस आए या चुड़ैल आए, कपिल का फ्लोट निकलेगा ही निकलेगा. मेरी ये उम्मीद थी कि शायद लॉकडाउन में बदल गया होगा कपिल, पर नहीं 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 ये नहीं बदलेगा, का डीट है. आप इतनी मतलब प्यारी भूतनी लग रही ना, कसम से मैं ये सोच रहा हूँ सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करूँ आपसे. मैं बताऊंगी ऐसे दूर रहना तुम कपिल. हाँ हम भूमि से जुड़े लोग हैं, हम ना थोड़ी. जोक सपाट, भूमि का जोरदार तालियों से स्वागत करिए. भूमि आप बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं हमेशा की तरह. थैंक यू. और मैंने देखा है जब पिछली बार आई थी उन्होंने भूत फिल्म की थी. हाँ. इस बार आप भूतों वाली फिल्म कर रही हैं दुर्गामती, तो हम आपको बहुत बहुत बधाई दें कि भूत भूत बधाई दें. थोड़ा होता है कभी कभी पीयर एंडिंग है ना. हम पुराने जोक जो भी लॉकडाउन में लिखे हैं मैं निकाल रहे हैं, हम धीरे धीरे इसी एपिसोड में निकालोगे सारे. हमारे दर्शकों को बताइए कि दुर्गामती किस बारे में है ये फिल्म. जी दुर्गामती एक कॉन्स्पिरेसी थ्रिलर है, हॉरर फिल्म है, और बहुत एंटरटेन होंगे आप. एक ऐसी हॉरर फिल्म है जो आप पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं, क्योंकि डर तो लगेगा ही, लेकिन साथ में एक बहुत ही तड़कती बड़कती कहानी भी है. एक एज ऑफ द सीट ड्रामा थ्रिलर है, और उस फिल्म में क्या होता है वो तो मैं नहीं बताऊंगी, आपको देखनी पड़ेगी. तो दोस्तों अब वक्त है फिल्म दुर्गामती की कास्ट से एक और बेहतरीन एक्टर को यहाँ पे इनवाइट करने का. प्लीज वेलकम द वेरी वर्सेटाइल एक्टर मिस्टर अरशद वारसी. हेलो माय गॉड. अच्छा पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक चला दुर्गामती, और भाई आ रहे हो उस वाले पे गोल माल गोल माल. ओह वाओ, मैं कोई भी फिल्म करूं उसको कॉमेडी बना देता हूं. पर भाई बहुत बहुत स्वागत है, बड़ा मजा आ रहा है आपको इतनी देर बाद देख के. लॉकडाउन में तो हमने यार मतलब चेहरे देखने को तरस गए थे. झूठ मत बोलो यार, तुम तो यहाँ तुम तो कुछ कोई क्वालिटी मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं ना, मतलब लड़की हो भूत हो लग जाओ कभी तो छोड़ दो यार, मतलब
किसी को नहीं छोड़ता ये आदमी. शो शुरू है. मुझे लगता है ना कपिल ने पैसे के लिए काम नहीं कर रहा. आई लव यू भाई. आइए बहुत बहुत स्वागत है. विराजमान हो जाइए. अरे कहीं पे भी बैठ जाओ भूमि. इधर आ जाओ. मतलब जैसे आपका मन. इतनी दूर कहाँ बैठ रही हो. इतना क्या है. नहीं नहीं बैठ रहे. अरे नहीं नहीं बैठ रहे. मैं तुम्हारे जज्बात को समझता हूँ. भूमि बैठ वरना शो नहीं होगा. बराबर क्या बात कर रहे हैं. वो कर नहीं पाएगा. नहीं वो नहीं कर पाएगा. देखो ये मैसेज देखो देखो. उसको इंस्पिरेशन चाहिए कपिल को. इंस्पिरेशन क्या बात कर रहे हैं. बिल्कुल सही बात कर रहे हैं. ऐसे होता लड़के आते हैं फिर दूसरी हीरोइन आती है फिर तीसरी हीरोइन. तो लड़के धीरे धीरे से बाहर चले जाते हैं. और सुनाओ भूमि कैसे हो आप. मैं भी बैठा हूँ. जस्ट वांट टू लेट यू नो कपिल भाई जॉन्डिस वाले चश्मे कहाँ से लिए आपने. बड़ा अच्छा कलर है ना. ओह माय गॉड क्या करें अभी यार. 3D चश्मा है. अच्छा मुझे लग रहा था भूमि आप ना दुर्गामती वाली लुक में आएंगी. पर आपने जो एंट्री मारी ना कसम से लगा सोनी की कोई बड़ी ऑफिसर आ गई है. कॉर्पोरेट हिसाब मांगने अर्चना जी से. हमारे ड्रैगन फ्रूट बड़े गायब हो रहे हैं भूमि यहाँ से. मैं नहीं खाती ड्रैगन फ्रूट. हैं नहीं पर लोग कहते हैं कि इसको खा भी कोई ड्रैगन ही सकता है. मतलब हम आप पे नहीं शक कर रहे. पांडे का हो रहा है थोड़ा थोड़ा टेढ़ा मुंह. कोई तू तो नहीं खाता. अच्छा अर्शद भाई इस फिल्म में आप बड़ा कमाल का बड़ा सीरियस रोल कर रहे हैं आप. इससे पहले भी आपने असुर में और भी मतलब बड़े कमाल के सीरियस रोल किए. एक्चुअली मेरे को फिल्म अच्छी लगी यार कपिल कसम से बता. मैंने स्क्रिप्ट सुनी मुझे बहुत पसंद आई. साउथ में ना उनका एक वो बड़ी इनोवेटिव कहानियां बनाते हैं. एक्चुअली क्या कहते हैं रिस्क लेते हैं और अलग अलग फिल्में बनाते हैं. तो ये कहानी भी वैसी है. और कसम से बता रहा हूँ एंड फ्रेम तक है ना आपको पता नहीं चलेगा कि क्लाइमैक्स एक्चुअली है क्या. बाय फार मैं कहूँगी जितनी भी मैंने फिल्में की उसमें से इट्स माई मोस्ट कमर्शियल मासी ताली सीटी फिल्म विद अ गुड स्टोरी. वाओ. अच्छा अर्शद भाई लॉकडाउन खुलने के बाद जब आप पहली बार काम पे निकले तो सबसे ज्यादा खुशी किसको हुई आपको या भाभी को. मुझे लगता है भाभी को ही होगी यार. वो कसम से मुझे एक्चुअली लगता नहीं वो पैसे के लिए मुझसे नौकरी करवा दी. घर से भगाने के लिए नौकरी करवा दी. मैं सोचता 9 to 5 जॉब लेने वाले. नहीं नहीं तू फिल्म इंडस्ट्री में जा. उसमें क्या है लोग बहुत टाइम तक बाहर रहते घर के. मेरे को अभी कोई आपकी टीम में से बता रहा था कि अर्शद सर झूठ बोल के आए आज बिकॉज उनको घर में किसी को पता नहीं कि आप शूट पे जा रहे हो. मरिया को पता है. उसके माँ बाप को नहीं पता. क्यों. अच्छा दे गेट बिट वरिड. अच्छा दे गेट वरिड. अब तो चलो बहुत देर हो गई. अब क्या फायदा. इस वीकेंड उनको सब पता चल जाएगा. बट क्या उम्र से ना याददाश्त भी कमजोर हो चुकी है. मेरे को एक बात याद आ गई. एक ना बंदा उसको उसके सामने भगवान आ गए. कहते देख जब तू बूढ़ा होगा ना तो दो चीजें होंगी. या तो तेरी याददाश्त भूल जाएगी या तेरे हाथ कांपेंगे. वो शराबी था. तो भगवान को कहता भगवान आप ना मेरे हाथ कपा दो याददाश्त ना जाए. कहता हाथ कांपेंगे तो ज्यादा से ज्यादा थोड़ी नीचे गिर जाएगी. अगर यही नहीं याद रहा बोतल रखी कहाँ है तो मेरा क्या. पर मैंने देखा लॉकडाउन में ना लोगों ने बड़े वीडियो डाले. सबसे ज्यादा लोग बना रहे थे खाने वाले वीडियो जो मतलब खाना बनाने सिखा रहे हैं. लेकिन मैंने देखा भूमि ने एक भी खाने वाले नहीं डाला. इन्होंने मेकअप ट्यूटोरियल्स वाले वीडियो डाले. एक इतनी कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने इंग्लिश का एक नया वर्ड सीखा ट्यूटोरियल. सारा एपिसोड हमारा 2 दिन में तैयार हो गया. ट्यूटोरियल याद करने मेरे को 3 दिन लगे. तो आपने कोई मतलब घर पे नई डिश विश बना के नहीं मेकअप करके आप घर पे बैठ जाती थी. एक बार मैंने कोशिश की थी वो ब्रेड पत्थर बन गया. मैंने सोचा या तो मेरे घर वाले उस पत्थर से मेरा सर फोड़ेंगे और मैं कहीं भाग नहीं सकती क्योंकि लॉकडाउन है. तो मैंने कहा खुद ही को लपेट लुपुट के वीडियो बना के डाल दो. क्या बनाया था आपने ब्रेड का उसमें. क्या मतलब सीमेंट डाल दिया था गलती से. यार मुझे ना खाना बनाना नहीं आता. मुझे सिर्फ खाना खाना आता है. देखो हर इंसान का टैलेंट होता है. तुम बनाते हो खाना. नहीं मैंने इस बार ट्राई की कई चीजें. हाँ फिर जैसे किसी ने खाने में ट्राई नहीं की. मैंने तो ट्राई की. मैंने बनाई भी वही पत्थर वाला सीन हो गया. ऐसे अर्चना जी ने बड़े सारे वीडियो डाले. अच्छा आपने भी खाने का कोई वीडियो डाला. आपके सारे वीडियो देखे मैंने. हां या कहीं पति भाग रहे हैं. वो आपकी हु इज द गर्ल. पार्लर नहीं जाती यार.
मेरी शक्ल से नहीं लगता मैं पाला जाती नहीं हूँ. अरे आप ऐसी इतनी प्यारी लगती है. नेचुरल ब्यूटी. अच्छा अर्शद भाई, ये सारा पूरा साल लॉकडाउन में निकल गया. बड़ा. और इस बार ना तो गोलमाल का कोई सीक्वल आया ना धमाल का. तो किस्तें कैसे भरी फिर आपने? नहीं अर्शद ना पेंटिंग बहुत अच्छी करता है ना. यू आर एन आर्टिस्ट. नो नॉट रियली यार, आई बस शौक है थोड़ा सा हल्का फुल्का. इतना अच्छा नहीं हूँ कि कोई खरीदे. ये खाना भी बहुत अच्छा बनाते हैं. मैं वो बनाता हूँ, हम लोग जो भूमि का जो खाना होता है ना वो बनाता हूँ. मतलब ऑर्गेनिक खाना जो आप खा के एक दो डेढ़ महीने पहले मर जाओगे. हमें ना बड़ी ब्लेसिंग्स है, हमारे साथ अर्चना जी हैं. हमारा लॉकडाउन में धंधा शुरू हो गया. क्या ये गई इन्होंने, मतलब इन्होंने शुरू करवाया अर्चना जी ने. लॉकडाउन के बाद इनका हीरे का हार वार आ गया. हाँ हाँ बस यही तो कमा रही है पूरे लॉकडाउन में. नोटिस कर रहा हूँ. मुंह पे मास्क बांध के जाती है बुलेट मोटरसाइकिल पे, लोगों की चेने भी खींच लेती. पर ना आपको पता बीच में लॉकडाउन में एक अजीब सी चीज हुई. कोई आया इंसान आके सोनी टीवी के पत्थर मार रहा है उनके चैनल पे. क्यों? उनके शीशे तोड़ रहा है. वो पत्थर नहीं था, मेरा ब्रेड था. मेरा ब्रेड था कपिल. नहीं पर वो चिट्ठी थी. सीरियसली वो चिट्ठी के अंदर से पत्थर निकला कि कपिल शर्मा शो शुरू किया जाए और सामने अर्चना को ही बिठाया जाए. नहीं तो मैं बाकी के शीशे भी तोड़ दूंगा. डाकुओं का सरदार मंगल सिंह. ये मोटरसाइकिल पे आया. मोटरसाइकिल पे आया वो. और वॉचमैन ने बताया कि कोई औरत थी मेरे हाथ पे भी काट के गई. फिर सोनी टीवी ने ना मेजरमेंट किया, जबड़ा इतना बड़ा था. अच्छा। तब हमें पता चला कि कौन था. तेरी इमेजिनेशन की दाद देनी पड़ेगी. मैं क्या, आपकी जबरदस्ती की दाद देनी पड़ेगी कि जो आपने क्यों शुरू कराया. थैंक यू अर्चना जी रिज्यूम करवाने के लिए. मेरा पता नहीं आज क्यों बैंगन का भरता खाने का बड़ा दिल कर रहा है. क्यों? भूमि ने वैसा कलर पहना हुआ है. पता था मुझे ये बैंगन का एक जोक तो आएगा ही आएगा कपिल. पिछली बार मेरे जैकेट के उन्होंने नींबू पानी बनाया था. क्यों आपने लेमन लेमन कलर की. अच्छा भूमि, आप ऐसे आप जो भी करेक्टर करती हैं मैं उसमें पूरा छा जाती हैं, पूरा घुस जाती हैं. मैंने देखा पिछली बार जब आई थी सांड की आंख के लिए तो ये इन्होंने बड़ी तैयारी की भाई. ये जाके चंद्रो तोमर जो दादी हैं जिनकी लाइफ के ऊपर बनी उनके साथ रही. तो इस बार आपने भूतनी बनी है तो किसके साथ रही फिर आप? गॉड मैं इतना हसी नहीं हूँ यार. मतलब मुझे इतना मजा आ रहा है. लास्ट दिसंबर आई थी मैं यहाँ, उसके बाद अब मैं हंस रही हूँ इतना कपिल. सीरियसली? हाँ यार, अब 8 महीने तो लॉकडाउन था. हाँ एक्चुअली लग नहीं रहा होगा तुम्हें क्योंकि जैसा मैंने कहा 4-5 बार तो आई. तुम्हारे सपनों में भी आती होंगी मैं चुड़ैल बनके. फिल्में की पिछले साल भूमि ने. धड़ाधड़ लड़कियों की अक्षय कुमार बनी हुई है. हाँ मेरे ख्याल से 5 करी थी ना आपने पिछले साल. 4. मुझे एक्टिंग में लड़कियों की आमिर है और बिजनेस में लड़कियों की अक्षय है. इससे अच्छा कॉम्बो हो ही नहीं सकता. सीरियसली? ये कपिल ये पूछ कि ये आमिर क्यों बोल रहा है. क्यों 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 अर्शद भाई? वो हेयर स्टाइल के लिए. किस्सा है इसके पास. बताओ ना अर्शद भाई. ये बट इट्स अ गुड थिंग. ओके भूमि है ना, जब तक उसका टेक सही नहीं होगा ना वो करते रहेगी. अच्छा वो आप मर जाओ वो करते रहे. मतलब अगर वो डायरेक्टर की उम्र बड़ी हो जाए उसका बेटा के टेक ओवर कर दे वो करती रहेगी जब तक वो टेक सही नहीं होगा. बट इट्स अ आर्ट बॉस. मतलब क्या बात है. नहीं अच्छी बात है. वर्क्स वेरी हार्ड. और ये फिल्म ना स्पेशली इतनी मुश्किल है ना कपिल, कसम से बता रहा हूँ. तुम देखोगे ना फिल्म यू नो व्हाट आई एम सेइंग. इट इज सो डिमांडिंग, सो फिजिकली मेंटली डिमांडिंग. इसको बेचारे को यहाँ यहाँ उठा उठा के फेंका है. उफ मेरे को बड़ी तरस आती थी उसके बारे में. सेट पे जाता था ऐसी पड़ी रहती बेचारी गरीब थकी हारी. मतलब बड़ा बुरा लगता था. रियाज ये है. थैंक यू सर. भूमि मेरे को शुरू से अच्छी लगती है पहली फिल्म से ही. और उस हम लोग की हालांकि हम लोग मिले नहीं थे जब इनकी पहली फिल्म आई थी. हमारी दुकान बंद थी उन दिनों. मुझे एक अवार्ड शो में मिली. ऐसा एटीट्यूड दिखाया ना भूमि ने मुझे. कैसा झूठ. हाँ फिर मैंने जाके बोला भी. मैं कहा अवार्ड तो मुझे भी मिला है, इतनी अकड़ क्यों. वैसे अर्शद भाई आप भूतों भूतों में बिलीव करते हैं? एक्चुअली मैं कपिल ऑनेस्टली नॉट रियली. कि सर मुझे लगता है थोड़ी मनगढ़ंत कहानियां हैं. मैं भी नहीं मानता हूँ जब तक कोई देखूँ ना. पर बचपन में ना
हम हमारे पड़ोस में एक लड़की रहती थी हमसे 10-12 साल बड़ी, वो हमें कहानियां सुनाती रहती थी. केबल नई नई आई थी, पैसे बहुत ज्यादा ले रहे थे, हमने लगवाई नहीं, हम उसके साथ बैठ जाते थे, वो हमें सुनाती रहती थी. एक बार हमारे पापा बस में आ रहे थे, उनको ये मिला, मगर सारे भूत तेरे डैडी को ही मिलते हैं. और मेरे को मतलब यकीन नहीं होता, बट अभी भूमि से मिलने के बाद थोड़ा सा यकीन होने लगा. मतलब अपने बीच में आके बैठी हूँ यार. पर आप बिलीव करती हैं भूतों में? हाँ, मैं करती हूँ. क्या मतलब, कोई एक्सपीरियंस हुआ ऐसा आपको? नहीं नहीं, ये सवाल पिक्चर चलने के बाद ना चलने का पूछ रहा. पिक्चर हिट हो गई, मैं भूतों में यकीन करती हूँ. पिक्चर फ्लॉप, नहीं मैं नहीं यकीन करती. अच्छा जी, आप डरती हैं भूतों से? पता नहीं, मैं बिलीव नहीं करती लेकिन डर लगता है. आपको भूतों से पूछना चाहिए. तो दोस्तों, अब वक्त है फिल्म दुर्गामति से दो और अहम किरदारों को स्टेज पे इनवाइट करने का. सो प्लीज वेलकम मिस्टर करण कपाड़िया एंड माही गिल. कपिल के गोद में बैठ जाओ. माही, यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी. वही बंदा हूँ जो इतने सालों से नहीं बदला, 5 मिनट में कैसे बदल जाता हूँ. देखो, मैंने एक फिल्म में साड़ी पहना हूँ, ये उसका असर है. भूमि की तारीफ की, अरशद सर की तारीफ की, आपको मेरा काम कैसा लगा? आपकी जैकेट बहुत अच्छी है. जब मैंने फिल्म की तारीफ की तो ऑब्वियसली सारे लोग जब अच्छे होते तो ही फिल्म अच्छी होती है. स्पेसिफिकली कैसे लगा मेरा काम आपको? आपका कौन सा वाला रोल था? नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ. और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आप दोनों के किरदार, मैंने तो देखा है, मेरे को पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपने बारे में. तो जो रोल मैं कर रही हूँ वो एक सीबीआई ऑफिसर का है, जो बहुत ही एटीट्यूड वाली है, बहुत ही धांसू है, और बहुत इंटरेस्टिंग सीन्स हैं मेरे और भूमि के बीच में, जो काफ़ी इंटरोगेशन के सीन्स हैं, तो काफ़ी मतलब नो नॉनसेंस वाली ऑफिसर है. वाओ, स्ट्रिक्ट. और आप ये शूज जो पहने, आपका घोड़ा कहाँ बाहर है? मेरे कॉस्ट्यूम की गड़बड़ हो गई थी आज, तो मुझे ये पर कसम से आप जैसी सीबीआई ऑफिसर हो ना, तो आदमी के घर पे छापा मारने आए ना, तो आदमी माँ बाप को बाहर निकाल दे, आप निकलो, ये मेरे और सीबीआई के बीच का मामला है. आई मीन, बहुत अच्छी लग रही हैं आप अपने किरदार में. भाई, कभी रियल लाइफ में कभी किसी की जासूसी करवाई आपने? मैं खुद की है मैंने बहुत जासूसी. हाँ, जब मैं कॉलेज में थी तो मुझे मेरी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड था, मुझे शक था कि वो उसको टू टाइम कर रहा है उसके साथ, तो मैंने पकड़वा दिया था उसको. Really? उनका ब्रेकअप हो गया था उसके पर आपने किया क्या था? She's sounding very proud, huh? पर मैम, बात सच्ची निकली ना, मैंने ऐसे ही बोला कि कसौली कि मैंने किसी ने आपको देखा था किसी लड़की के साथ. वो फंबल मारने लग गया, कहता नहीं वो तो मैं अपनी कजन को लेकर गया था छोड़ने के लिए शिमला, वो स्कूल कौन सा कॉलेज है वहाँ पर, बीच में. तो फिर बाद में पकड़ा गया था. मतलब बियर खोलनी थी, ओपनर नहीं मिल रहा था. तो कहता यार किसी के पास ओपनर है, तो इसका भतीजा खड़ा था 17-18 साल का, कहता चाचा मैं खोल देता हूँ. कहता तू बियर पीता है? कहता नहीं मैं नहीं पीता, पर मैं वैसे खोल देता हूँ. उसने खोली ना, जाग निकली. कहता क्या हो रहा है कपिल? मजा. करण, आप सुबह कितने बजे उठ जाते हैं? अक्षय सर से बहुत सीखा है, तो 9 बजे. मैंने सवाल इसीलिए पूछा बिकॉज रिश्ते में अक्षय पाजी इनके जीजा ही लगते हैं. yeah. हमारे तो जीजा नहीं भी लगते, तब भी हमें 4 बजे उठा देते जब आते हैं. मैं सोचता हूँ आपके तो रिश्तेदार हैं, तो आपका क्या करते होंगे कि नहीं? तो रात को सोने ही नहीं देते. सो रहा है, चलो फिल्म. अच्छा अक्षय पाजी, अब तो प्रोड्यूसर भी हैं, काफी समय से फिल्में कर रहे हैं वो, प्रोड्यूस भी कर रहे हैं. आप पहली आप फिल्म में लॉन्च हो रहे हैं, तो आप मतलब वो आपके जवान होने का वेट कर रहे थे कि आपने अभी जल्दी उठना शुरू किया है? सर ये मेरी दूसरी फिल्म है. पर वो क्या हुआ, प्रॉब्लम ये हुई कि वो पहले ट्रेलर से भी मुझे काट दिया पहली पिक्चर की, तो किसी को पता ही नहीं था मैं वो पिक्चर में, तो आपकी गलती नहीं है. ये होता है करण,
लोगों को भी लगता है कि ये मेरा पहला शो है. मेरा ये 14वां शो है. नवाजुद्दीन सिद्दीकी आए थे थोड़े, कहते मेरा एक हे राम फिल्म कमल हसन साहब की, कहते मेरा उसमें एक रोल था अच्छा, तो मैं अपने दोस्तों को ले गया. तो कहते जब उन्होंने देखा ना कमल हसन साहब ने कि 5-6 दोस्त ले आया, कहते बात सुनो तुम्हारा वो कट गया है. तो वो बेचारे कहते सर हो सके तो यहाँ दिखा दो, वहाँ काट देना. सर मैंने अब तक पिक्चर देखी नहीं है. अच्छा तो डराओ मत. तो अगर आपका पिक्चर में रहा होगा तो फिर इस एपिसोड में भी रहेगा, नहीं तो ये हारे हैं. आपको क्या लगता है हरे रंग के सोफे क्यों दिए हुए हैं? ये क्रोमा है पीछे. ये हम लोगों को बेइज्जत करने के लिए बुलाया है यार. देखो पाजी, हंसी खुशी जिंदगी बितानी चाहिए. 4 दिन की जिंदगी है, 5 दिन बाद मुझे दुबई जाना है. पर करण जनरली यू आर वेरी हैंडसम. कितने आपकी हाइट कितनी है? 6'3". Wow. आपके खानदान में कोई 6 से नीचे नहीं होता? नहीं, कोशिश तो यही है कि 6 के ऊपर है, वो स्टैंडर्ड अभी मेंटेन किया है. मेरी सारी हाइट ले ली इन लोगों ने. और इनका सारा टैलेंट मुझे दे दिया. अभी समस्या ये है कि मैं न्यू कमर हूँ, तो अभी क्या कहूँ मैं? I have to just take it. Yeah. Correct. I'm still taking it. Oh my God. अरे नमस्कार, नमस्कार सर. नमस्ते, नमस्ते. अर्चना जी कैसे? Yo bro, how you doing? नमस्ते. Yeah. करण जी नमस्ते, माही जी नमस्ते, अर्चना जी नमस्ते, भूमि जी नमस्ते. अरे स्ट्रॉ वाला खरबूजा पहली बार देखा. मैं लेकिन आप लोगों को देख कर हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है सच में. लेकिन अर्षद जी यार कितने बड़े हो गए आप. हाँ पता है, पहली बार आपको देखा था आप इतने से थे, अभी भी उतने से ही है. तू उनके डैडी का दोस्त है? तू उनके डैडी का दोस्त है? तूने कब देखा उनको इतना था? नहीं नहीं नहीं, जब पहली बार देखा था हमने इनको टीवी में देखा ना, तो इसलिए इतने से थे. सर ये हमारा हमेशा से सपना था कि एक छोटा जोक बड़े स्टार के सामने सुनाए. वो आज हमारा सपना पूरा हो गया. छोटा जोक. लेकिन सर यार सर्किट का जो आपका कैरेक्टर है, आय हाय आय हाय. ओहो सर एक एडवाइस दे रहा है, कभी क्रिकेट के क्षेत्र में मत जाइएगा. क्यों? वहां आप शॉट मारेंगे तो आप शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे. सर ये भी आपको बता रहे हैं, जो हमने तब बनाया था जब आपकी फिल्म आई थी. हाँ. लेकिन तब शो नहीं आया था. हाँ. फिर जब शो आया तो आप नहीं आए. फिर जब आप आए तो इत्तेफाक से उस दिन हम नहीं आए. आज आप भी आए, हम भी आए, जॉक भी आ गया. लाइफ इज ब्यूटीफुल. ये तो वही बात होगी, 2 घंटे की फिल्म नरेशन देने में 12 घंटे लगा दिए तुमने. इतनी एक्सप्लेनेशन देने की क्या जरूरत थी? अरे ऐसा होता है यार, देखो हमारी आत्मा भी छोटी सी है, लेकिन शरीर का एक्सप्लेनेशन देखो कितना बड़ा है. हो जाता है ऐसा यार, सब ऊपर वाले की लीला है. वैसे लीला से याद आया, माही जी देव डी में हमने आपकी भी लीला देखी. आहा अद्भुत. आपको सच बताएं तो देव डी देखकर तो हमने चलना सीखा. देव डी तो 12-13 साल पहले आई थी तूने, अब तभी चलना सीखा? अरे 11 साल पहले. सर पैरों पे चलना तो बचपन में सीख लिया था, लेकिन इश्क में चलना देव डी देखकर सीखा हमने. ओ हो, अपनी प्रेमिका का हाथ पकड़ के वो खेतों की पगडंडियों पर चलना. कभी धान कभी धनिया कभी गेहूं. ये कौन सा खेत है बे? ये इश्क का खेत है दोस्त, इश्क का खेत. चल निकल, अभी तेरा क्राइम पेट्रोल में आने का टाइम हो गया. ब्रो हम कहां क्राइम पेट्रोल में आते हैं, व्हाट आर यू टॉकिंग. ये सोनी का खेत है, ज्यादा फैलोगे तो किसी शो में भी आ सकते हो. यू मीन आई शुड चेंज टॉपिक? या दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल मी. आई विल चेंज इट, नॉट अ प्रॉब्लम. करण जी, यस, आपकी फिल्म आ रही है जी, तो एक करियर एडवाइस देना चाहेंगे. ओके. आप ना हंसा कीजिए, बहुत ज्यादा हंसा कीजिए, कोई कुछ भी बोले आप हंसा कीजिए. तो इससे मतलब उनके करियर को क्या फायदा होगा? उनके करियर को, हमारे करियर को तो फायदा होगा ना यार. चैनल को लगेगा हमारे जॉक पे हंस रहा है तो हमारा करियर आगे बढ़ेगा. क्यों चैनल, थोड़ा हमारा भी मदद कर दो यार. 100%
बच्चा कभी तो कोई पते की बात कर लिया अगर तू पते की बात ओके नो प्रॉब्लम तो 601 ए विंग नंदादीप बिल्डिंग अंधेरी वेस्ट मुंबई 400053 केले का पत्ता बड़ा होता है धनिया का पत्ता छोटा होता है किक्का बादशाह बेगम सारे पत्ते की बात हमने एक साथ कर और कोई पत्ते की बात करें बच्चा ये सब बातें जो तू बोलता है ये कहां से लाता है दुबई में कुआं खोदा है ब्रो वहां से लाते हैं I like it. Please give me reaction. यार भूमि जी, I'm a huge fan. Huge. अरे बाप. Huge, I can see. Thank you. बहुत बड़े fan हैं आपके और हम तो छोड़िए हमारी भैंसिया हमसे भी बड़ी fan है आपकी. सारा दिन बैठी रहती है. बैठे रहने से इनकी fan कैसे हो गई? भूमि से जुड़ी रहती है ना यार. ये तो सेम जोक मार रहे हो आप अरे इंतजार किया करो ना यार सब खुद ही बोल लोगे तो हम क्या करेंगे आके बच्चा उनकी फिल्म आ रही है उसकी भी कोई बात कर तू अपनी बातें करी जा रहा है तो हमने कभी कहा है कि हमारी बातें आ रही है उस पर फिल्म करो नहीं ना करेंगे यार ब्रो कीप तसल्ली यार वैसे आपके फिल्म का हमने ट्रेलर देखा हो काफी डर गए हम मतलब कप कपा गए एकदम सच बताएं आपको यहाँ पर हमारा घर है हाँ कुछ दिनों से हमारे घर में भी अजीब अजीब एक्टिविटी हो रही है अच्छा अजीब सी आवाजें आ रही है हमारे घर से पानी की टप टप ओ दरवाजे की टक टक हवा की सन सन मेंटेनेंस करवा लो घर उसका प्रॉब्लम मेंटेनेंस करवा सॉरी आप कहानी आप कुछ कह रहे थे नहीं सर ये घन घन सन पट पट टप टप क्या है हुआ फिर क्या हुआ यार ऐसा मतलब डरा रहा है कि कविता पोएम सुना रहा है अरे बातें बोलने में मजा आ रहा है तो थोड़ा रिदमिक हो जाए हम ऐसा हो जाता है लेकिन सच बता रहे हैं हमारा जो तबेला है ना वहां से दूध गायब हो रहा है अरे हां हां पता नहीं कौन पी के चला जाता है आप तो इसमें पुलिस वाली बनी है ना तेरा देखिए ना क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है इट इज गेटिंग वेरी डेंजरस एक मिनट कपूर शर्मा हम बोले तो कुछ था हाँ ये कौन हो तुम कौन हो हाँ मैं मंजुली का 500 साल पहले इस तबेले की जगह मेरा बहुत बड़ा महल था लेकिन किसी ने मुझे धोखे से मार दिया और महल पर कब्जा कर लिया आज मैं वो तबेला लेकर जाऊंगी भूतनी भांजे देखिए आप कुछ ऊट पटांग बोल रही हैं ये तबेला हमारा खानदानी तबेला है हमारे दादाजी यहीं पे गोबर में दब के मरे थे झूठ मत बोलो कागज है हमारे पास ये लो देखो भूतनी के पास कागज भी है आज के टाइम पे डॉक्यूमेंट होना जरूरी है सही डॉक्यूमेंट होना चाहिए ये तो बड़ा ही अद्भुत भूत है क्या बात है तबेला हमारे नाम करो एक मिनट तबेला कैसे तुम्हारे नाम कर दे यार खून पसीने की मेहनत से तबेला बनाया अपने भैंसिया को अपने हाथों से चारा खिलाते हैं हम हाँ तो सुबह हम ही लेकर आते हैं और 4 बजे भैंसों को नहलाते हैं 4 बजे सुबह हाँ। 4 बजे सुबह सिर्फ 2 ही लोग जाग सकता है एक है अक्षय कुमार और दूसरा हमारा नौकर रामू अक्षय कुमार तो ये हो नहीं सकते रामू एक मिनट कालू देखिए ये तो हमारा नौकर है रामू क्या जरूरत है ये सब करने का यानी कि हमारी भैंसे का दूध तुम पी रहे हो ये सारे ड्रामे तुम कर रहे हो क्यों अरे तो मालिक और क्या करें अरे 15 साल से इनकी चाकरी कर रहे हैं एक गिलास दूध का पी लेते हैं तो बवाल कर देते हैं बताइए अरे गोबर उठा उठा के हम गोबर हो गए हैं आज हमें मौका मिला आपका सबक सिखाने का तो सिखा दिया बातें हमसे कर रहे हो तुम तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया हमने कहा अरे अपनी भैंसिया को चारा खिलाने से पहले तुम्हें चारा खिलाया जिस पाइप से उसे नहलाते उस पाइप से पहले तुम्हें नहलाया भैंसिया मैं तुम में कभी फर्क नहीं किया हमने अरे तो फर्क करना चाहिए था ना बच्चा भैया फर्क करना चाहिए और अगर अभी भी फर्क नहीं करेंगे ना तो जाकर हम पुलिस को बता देंगे कि आप दूध में मिलावट करते हैं दूध में पानी मिलाते हैं अरे तो उसमें क्या है लोग दूध में कॉफी मिलाते हैं चाय पत्ती मिलाते हैं उसमें क्या है अरे सुनिए दूध में पानी मिलाने से उसकी क्वालिटी कम हो जाती है लेकिन पानी की क्वालिटी तो बढ़ जाती है ना खाली दूध का ही सोचेंगे हम पानी के बारे में कौन सोचेगा है कि नहीं लोगों को हम दूध पिलाते रहे उनके शरीर में पानी की कमी नहीं हो जाएगी इट इज रॉन्ग अरे तो पहले फिर काम कीजिए उसके अंदर ना थोड़ा लोहा घोल कर लोगों को पिला दीजिए ताकि उनमें आयरन की कमी भी ना होने पाए ये सही है अब हम तुम्हें इतना लोहा देंगे ना दोस्त कि तुम्हारे शरीर में कभी आयरन की कमी नहीं होगी फिर गाते रहना लोहा मुंह लग गया लोहा मुंह लग सर आते हैं सर अरे चलो यार सर इधर आओ
करण मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है हम कभी मिले हैं। सर नहीं मिले हम, मुझे याद रहता। How old you are? I just turned 27. हम तो वो 27 की उम्र में तो मैं बच्चन साहब के घर के बाहर खड़ा था। हाँ हमें किसी ने बोला यहीं से ट्रैक्टर ले जाते हैं। मेरा एक किस्सा सुनाता हूँ। तो मेरा क्या हुआ, हम लोग नए नए पहली फिल्म मिस्टर बी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओके, तो अमिताभ बच्चन तेरे मेरे सपने, हाँ मतलब नाम सुन के हिल जाते थे हम लोग। और घर पे बुला लिया खाने के लिए। अच्छा। हम लोग तो ऐसे चंद्रचूर मैं बैठा हूँ और वो मुकुल देव। अच्छा। ओके, ऐसे शरीफ बच्चे, मामी जी व्हाट विल यू हैव, तो मुकुल देव ने बोला आई हैव स्वीट लाइम जूस। रॉकी के पास गए, व्हाट विल यू हैव, कोक पेप्सी, मेरे पास है व्हाट विल यू हैव, आई हैव सिंगल मॉल्ट ऑन द रॉक्स। अभी ऐसा उन्होंने लुक दिया, अच्छा ड्रिंक आई, तो इनके हाथ में उसके हाथ में नींबू पानी, इसके हाथ में कोई कोला, मेरे हाथ में विस्की। फिर बच्चन जी ऐसे टर्न मारे वहाँ गए, कट टू इसने जनरेट ड्रिंक, एक सिप उसने मेरा ग्लास खाली। मिस्टर बच्चन पलटी मार के वापस आए, मेरे को देखा ऐसा। और देन ही सेड You need to go slow, my son. Abla, so okay, sir. ऐसे होता है, एक सिप भी नहीं ली मैंने। टाक टाक फूल। रात को ऐसा लगा कि इससे मेरे से बड़ा बेवड़ा कोई नहीं है, क्योंकि मेरे पास दो घुमरे थे साथ में। अच्छा ट्रेलर में ना अर्शद भाई का एक बड़ा ही पावरफुल डायलॉग है, पावर ऑफ पीपल इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन द पीपल इन पावर। हाँ बहुत टाइम लगा था याद करने के लिए, तुमने याद कर लिया। देखो ये पावर ऑफ पीपल वाला जो भी मैंने बोला, अब दूसरी बार नहीं होगा मेरे से, मेरे से भी नहीं होगा। सो मैं ये पूछना चाहता था अर्शद भाई कि आपके घर में पीपल इन पावर कौन है? पीपल नहीं यार, एक ही है, मरिया है, बाकी हम सब किसी का कोई पावर नहीं है। कसम से बता रहा हूँ कपिल, तुझे नहीं पता मेरे पे क्या बीतरी है। क्यों मरिया को बदनाम कर रहा है यार अर्शद? कहाँ बदनाम कर रहा है, सच बोल रहा हूँ। तो यही होता है, सच बोलो आदमी बदनाम हो जाता है। पर अर्चना जी के घर में इनकी वाइफ की जलती है। अभी तो आएगा ही नहीं परमीत अगली बार तेरे शो पर। हाँ, देख लेना। बन की वाइफ ने दाढ़ी बढ़ा लिया। क्या? कुछ नहीं, मैंने कसम से कुछ नहीं बोला। आई लव यू। तू दोस्त है या दुश्मन? मैं दोस्त हूँ, मैं आप लोग दोनों मिलकर मारेंगे उसके बाद। आपकी क्या जरूरत है, अकेली मार सकती है। करण जैसे ना मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, ऐसे नॉर्थ साइड में अभी भी लोग बिलीव करते हैं कि बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते, तो आपके जो प्रोड्यूसर हैं वो आपके जीजा ही लगते हैं, तो फिर आपने पेमेंट लिया कि नहीं उनसे? इस टाइम थोड़ा सा पेमेंट लिया मैंने। अच्छा, इस टाइम मतलब पिछली बार नहीं मिला। नहीं, क्योंकि वो लास्ट टाइम उन्होंने जो मैंने ब्लैंक की थी पिक्चर, लास्ट वी डिड अ सॉन्ग टुगेदर, सो आई थॉट उसमें से थोड़ा रेवेन्यू मिलेगा मुझे, अक्षय सर के साथ गाना है वगैरह वगैरह, वो टीवी पे एयर नहीं हुआ गाना, तो इस टाइम मैंने बोला कि अगर मैं इस पिक्चर का हिस्सा हूँ तो थोड़ा सा मतलब पेमेंट तो बनता ही है, यू नो। मैंने भी ये बोला था, बोले थे घर चले जाओ। कि हमारा पांडे ना जो ड्रम पे बैठा है, इसने अपना पेट पाल पोस के बड़ा किया है, इसीलिए किया है ये अपने साले को दरवाजे पे रोक सके। इसका साला भी इतना शैतान है, दोनों टांगों के बीच में से निकल जाता है। माही, इस फिल्म में भी आपके हाथ में बंदूक देख रहे हैं हम, आपकी मैंने देखा जितनी फिल्में बंदूक तो आप अक्सर ही चला ही देती हैं। अच्छा एक और चीज आपको पता है अर्शद भाई इनके बारे में, माही के बारे में? माही ने फौज में भी ट्रेनिंग की हुई है, क्या बात, बीच में छोड़नी पड़ी थी क्यों? हाँ। मतलब ट्रेनिंग में दिल्ली लगा था या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, वी वर सिलेक्टेड, 16 गर्ल्स सिलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, तो हम चेन्नई पहुंच गए, तो मेरे साथ बहुत बुरा हादसा हुआ एक, इसलिए मैंने छोड़ा, वो इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं पैरासेलिंग कर रही थी और बिल्कुल ट्रक से वो बांधा हुआ था रोप और मैं ऊपर तक पहुंच गई। अच्छा जी। और वो रस्सी टूट गई और मैं ऐसे करते करते पढ़ते पूरा ड्राइविंग करते करते नीचे आई, तो पहले और नीचे बहुत सारे लड़के जो हमारे साथ अटैच थे वो भागे, मेरे को अभी भी याद है वो सारा सीन, वो लड़के सारे भागे मुझे बचाने के लिए, तो मैं ऐसे गिरी, तो ऑब्वियसली वेट तो हैवी होता ही है ना, ऊपर से गिरता है, मेरे साथ बहुत बुरा हादसा हुआ, माय हेड हिट द रनवे फॉर 1 मंथ इन द हॉस्पिटल। ओह माय गॉड, उनके सर पे चोट लगी ना, डिसाइड किया अब मैं एक्टर बनूंगी। हां, उसके बाद थिएटर ज्वाइन किया। नहीं, सबसे अच्छी बात क्या थी, उस टाइम मेरा बॉयफ्रेंड था एक, ठीक है? अच्छा। तो मैंने बहुत सारे लेटर्स लिख कर रखी हुई थी, अपने पॉकेट में डाली हुई थी, जब मैं ऊपर गई, जब रोप टूटा तो मुझे मरने का डर नहीं था, मुझे ये डर था जब मैं मर जाऊंगी मेरे लेटर्स मेरे पेरेंट्स को ना मिल जाएंगे।
पर उसके बाद अगर मिल भी जाते तो क्या फर्क पड़ता है? उससे भी माइंड में आ रहा था मैं पकड़ी जाऊंगी। पर ये चीज उन्होंने बोली ना कि मैं जब गिरने वाली थी तो बहुत सारे लड़के ऐसा होता है, लड़की अगर स्कूटी से गिर जाए ना कहीं ऐसे सारा बाजार इकट्ठा होगा, लड़का गिरा हो ना उठ जा मरने गया तू अटड़ा। ये लड़कों को मैंने देखा बड़े चलाक होते हैं लड़के। अच्छा भूमि, इस फिल्म में आपके अंदर दुर्गामती की रूह आ जाती है, अगर रियल लाइफ में आपको कभी मौका मिले हैं पोजेस होने का ना, किसकी रूह आप अपने अंदर प्रवेश करवाना चाहेंगी? ये तो बहुत इंटेंस सवाल पूछा है मुझसे। हाँ, आई एम इंटेलेक्चुअल आल्सो। इसके अंदर अगर रूह आ जाएगी तो पार्ट टू बना देगी। दैट इज सो ट्रू। ओ गॉड, बहुत प्रेशर है मुझ पे। आप सोच लो अर्शद भाई। हाँ, आपके, मुझे लगता है आगे बढ़ लो यार। आपको किसी की रूह लानी हो आपके अंदर, मेरे अंदर किसकी लाओगे? अक्षय कुमार की यार। ए वो मेरा आंसर था यार। हम सब शेयर कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही करेक्ट और बड़ा बेनिफिशियल आंसर दिया आपने। बहुत, मैं बता रहा हूँ वो इकोनॉमिकली बहुत साउंड रूह है। आप तो अभी उनके साथ एक और फिल्म कर रहे हो ना भाजी, बच्चन पांडे। हाँ, बच्चन पांडे। शूटिंग शुरू हो गई उसकी? नहीं नहीं, जान में शुरू हो गई। और मुझे, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी एक्चुअली अक्षय के साथ काम करने की, क्योंकि मेरे हिसाब से इस वक्त जितनी अच्छी कॉमेडी अक्षय करता है कोई नहीं कर पाता। एब्सोल्युटली, नो डाउट, ही इज एब्सोल्युटली फनी। मतलब ही नोज व्हाट द ऑडियंस वांट, ही नोज हाउ टू डू इट, एंड ही इज वेरी फनी यार। वो हरकतें, न्यूआंसेस, छोटी छोटी चीज़ें जो बारीकियाँ होती है ना एक्टिंग की, वो बहुत अच्छी तरह समझता है। ये बातें आप तब भी बोलते अगर बच्चन पांडे शूट हो चुकी होती। नहीं, 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 हमें इंतजार है भाई आपकी। मैं तो आपकी हर फिल्म बड़े शौक से देखता हूँ। मुझे तो आज आपका वो सीन नहीं भूलता, मुझे पता है डेढ़ इश्किया में जहाँ आप उसके गल लगा के बैठ जाते हो ना, मैं तुझे ऐसी जगह गोली मारूंगा, अगर तू बच भी गया तो तू सोचेगा मैं मर क्यों नहीं गया। वो मैं इतना हंसा। वो लाइन होम प्रोडक्शन, होम प्रोडक्शन ऐसे बहुत सारे निकलते रहते। ये होने की थी तो ये फिल्म इतनी जब सीरियस फिल्म चल रही थी तो ये पाजी तो मुझे लगता नहीं कभी मुझे कभी कभी लगता है दूसरे लोग है ना प्लांट करते पिक्चर में कि जा बेटे इनकी पिक्चर खराब कर दे। सीरियस पिक्चर है, शॉर्ट के पहले दो चार जोक मार देना। अच्छा, ये जोक मार के खुद सीरियस हो जाते हैं बाद में। वो लास्ट में यार, हम जैसे जो नए नवेले एक्टर्स हैं हमें तो बड़ी दिक्कत होगी। सर तो मतलब अभी हंस रहे हैं, एक्शन हुआ वो फुल्ली ईश्वर प्रसाद और मैं अब तक हंसी रही हूँ, तो मतलब लोग सोच रहे कि इसलिए तो मुझे टेक लेने पड़ रहे थे इनके साथ। टेक उसमें नहीं था, टेक इसलिए था क्योंकि अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। अर्शद फॉल्स। माही, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कौन सा? आप अपने अंदर किसी रूह को प्रवेश करवाना चाहें वो कौन सा ऐसा प्राणी होगा? आई थिंक माधुरी दीक्षित। मैं उनके डांस मूव्स लेना चाहती हूँ और मैं वैसा परफॉर्म करना चाहती हूँ, मैं नाचना चाहती हूँ। पर मैंने तो सुना है कि आपने क्लासिकल डांस का मैंने सीखा, लेकिन उनके जैसा नहीं कर सकती ना, तो उनके जैसा करना चाहती हूँ। वाओ, माधुरी मैम के तो हम सब फैन है। करण, मैंने तो कह दिया अक्षय सर की रूह शेयर कर रहे हैं हम और अर्शद सर। ठीक है, मतलब उनकी रूह में आधा देश की तरक्की हो सकती है। अच्छा, जो फिल्म दुर्गामती है ये तेलुगु फिल्म भागमती का रीमेक है और जो डायरेक्टर हैं मिस्टर अशोक, ये उन्हीं ने ही डायरेक्ट। कभी ऐसा हुआ है कभी आपको वो सीन समझाने आए हो? कभी कभी होता ना बंदा कोई वो अपने जोन में होता है और आपको आके उन्होंने तेलुगु में समझा दिया, नारे किंडे दौड़ता ना तेरे हॉर्स डर रहा और आपने बोल भी दिया गॉट इट गॉट इट, तो बोले गॉट इट नहीं, आई सेड आई एम गोइंग टू वॉशरूम जस्ट वेट। ऐसा होता तो फिर आप क्या करते थे? कुछ नहीं यार, बस कर देते थे। इतना लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो जाता था अशोक सर के साथ मामला। हाँ, हम राम भरोसे थे। हमने कहा कि अच्छा इनको अच्छा लग रहा है, शायद ये कहा होगा। हाँ। क्योंकि सर और वो बहुत स्वीट इंसान है, क्योंकि उन्होंने बहुत कोशिश की हिंदी सीखने की। अच्छा। लेकिन उनकी हिंदी भी इतनी माशाल्लाह। वो हर चीज में बोल दे परवाह नहीं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी परवाह नहीं, परवाह नहीं, मैं जो कर रही हूँ उसकी परवाह नहीं, अच्छा भी परवाह नहीं, बुरा भी परवाह नहीं। मैंने कहा ये तो मतलब
कईयों को होता है हाँ, actually. मैंने भी एक आदमी को ऐसे सुना है हाँ, परवा नहीं चलेगा. हाँ, परवा नहीं. हाँ. मैंने कहा किस क्या परवा नहीं, तो पहले तो मुझे समझ नहीं आया. मैं बोलूं सर एक और टेक परवा नहीं. मैंने कहा अच्छा परवा नहीं. मैंने कहा अच्छा ये तो थोड़ा रूड इंसान लग रहा है. फिर मुझे पता चला उनको कुछ और मतलब समझ ही नहीं आता. बोलते परवा नहीं एक और करते हैं. इट्स लाइक नो वरीज नो वरीज नो वरीज ऑल सेड एंड डन. इज अ वेरी स्वीट गाय. या 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 मस्त. अच्छा अर्शद भाई आपका इंस्टाग्राम चेक कर रहे थे ऐसे ही आपके आने से पहले कि बातें क्या होंगी. कुछ नहीं करता है तो इंस्टाग्राम नहीं आप मतलब इंस्टाग्राम पे मैंने देखा आप चार ही लोगों को फॉलो करते हैं. हाँ. एक आपकी वाइफ है और जो बाकी तीन है वो भी फीमेल है. तो मेरा अपनी... बेटा भी है खाली बाल लंबे. अच्छा. हम पूछना चाहते थे कि आपकी वाइफ को जो आप फॉलो करते हैं आप अपनी मर्जी से कर रहे थे या आप पे कोई मानसिक दबाव था. देखो एक बात कपिल याद रखो, शादी के बाद मर्द अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता. तो छोड़ दो अभी सब बातें, क्यों जा रहे हो आप कुछ भी. देखो दो चीजें, फैमिली और पॉलिटिकल बातें मत किया करो. अर्चना मैम डू यू एग्री? नो नो नो. आई हैव नोटिस जो भी मर्द यहाँ पर इस शो पर आते हैं ना ऐसे करते हैं जैसे कि अरे बहुत डरते हैं अपनी बीवियों से. हाँ. और हम तो हर चीज मानते हैं. मैम अगर ऐसा होता तो मतलब शादियों में जो विमेन जो फील करती हैं. मैं अपना वीडियो भेजूंगा तुमको. क्या देख लेना. क्या देख लेना मेरी हालत. No, no, but I'll tell you something. I don't follow because यार वो बहुत किटकिट है. So I only follow my son. Social media. I follow Maria and my manager and Iliana. That's it. The yeah, crew? Yeah. Yeah. She sends nice pictures and all that. Well, she is beautiful for sure. Arshad, वो तो unfollow करेगी अब तेरे को. 100%. मुझे पता भी नहीं वो follow करती है कि नहीं मुझे. जब आपके दोस्त हो ना उनके साथ आप ऐसे कर सकते हो. माही हमने आपका भी इंस्टाग्राम देखा. बंदूक लेके मैं तो बहुत ही बैड हूँ सोशल मीडिया में. आपने उस पे लिखा हुआ ड्रीमर. हाँ. तो आपके तो सपने बड़े लोग देखते होंगे. आपके सपने में कौन आता है फिर? दी ड्रीमर का मतलब ये था कि मैं डे ड्रीम बहुत करती हूँ. मैं बहुत सपनों में खोई रहती हूँ. कई बार लोगों को लगता है जब मुझे नरेशन दे रहे होते कि मैं उनकी बात सुन रही हूँ लेकिन मैं सुन नहीं रही होती. मैं तो सो जाती हूँ. आप लोगों को नरेशन मिलते पर ऐसा माही ने बिल्कुल सही कहा है. कभी कभी लगता है आप ना किसी के और ऐसा मेरे साथ तो इतनी बार होता ना किसी की आंखों में देख रहे हो तो उसको लग रहा है कि सुन रहा हूँ. बहुत ध्यान से मैं अपना लोकेशन पहुंचा हूँ. बहुत कुछ मैं बड़े यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट. किसी ने इतनी मेहनत की है, कहानी लिखी है, ये किया है, वो किया है. तो मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि आप कहानी सुनते हैं तो आपको पहले 3 मिनट में समझ में आ जाता है कि ये कहानी बकवास है. अब आपको दिमाग में चल रहा है कि अब मैं अगला 2 घंटा कैसे खत्म, 2 घंटा कैसे झेलूंगा. तो आपको लग रहा है कि यार जो चाय मंगाई जल्दी आ जाए, बातें जल्दी कर ले, ब्रेक नहीं नहीं सिगरेट ब्रेक लेते यार तू चल खत्म बोल दे सर हाफ टाइम थोड़ा ब्रेक नहीं नहीं तो सेकंड हाफ सुना दे. ये हालात होते हैं. फिर मैं साफ बोल देता हूँ, बोलो बॉस अगर पहले 10 मिनट में मुझे मजा नहीं आया ना तो मैं वहीं रोक दूंगा. हम लोग चाय वाय पियेंगे, ड्रिंक पियेंगे, तुम घर चले जाना. नहीं ठीक है. मैंने वो करना शुरू कर दिया. एक बार अक्षय पाजी जा रहे थे कहीं तो मेरे ही दोस्त हैं एक मेरे दोस्त नहीं है वो अब नहीं है पहले हुआ करते थे. वो उन्होंने कहा अक्षय पाजी वो 2 साल से बोल रहे थे फिल्म सुनानी अक्षय पाजी आपको फिल्म सुनानी है. अक्षय पाजी एक बार निकल रहे थे यहाँ से, उन्होंने गाड़ी में बिठा लिया. बोलते मैं पुणे जा रहा हूँ तू आ जा. यहाँ पे बिठाया और कहानी उनको बाद में अक्षय भाई ने मुझे बताया. कहते सही है वो बात. कहते पता तो मुझे अंधेरी ईस्ट तक पहुंचते ही पता लग गया था. अरे मैं उसको और आगे ले गया. तो जहां मैंने देखा ना यहाँ से बस भी नहीं मिलती. मैंने वहां उतारा उसको. I have a dog, a pug. डोना गिल का नाम है. डोना गिल तो वो मेरे साथ बैठती बहुत जब नरेशन कुमार जी की जैसे. हाँ तो जब वो ऐसे अंगड़ाइयां लेके सो जाती है ना इसका मतलब बहुत ही बोरिंग. तू क्यों बैठती हो कुत्ते को सुना दे. तो अफवाहें उड़ती रहती हैं फिल्म स्टार्स की तो इस बार भी उड़ी हैं. बिल्कुल. क्या बात कर रहे हो. हाँ हवा में धोती और बातों में अफवाह मतलब ये इनको जो आप उड़ने से रोक नहीं सकते. अपने अपने जज्बात है. भूमि आपके बारे में ये अफवाह है कि आप पहले कास्टिंग किया करती थी. तो अफवाह ये है कि आजकल डायरेक्टर जो है फिल्म के लिए सबसे पहले आपको कास्ट कर लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि बाकी की कास्टिंग आप करो. ये एक्चुअली ट्रू है.
अच्छा ये अफवाह नहीं है, ट्रू है। मैं अपनी मेरी सारी फिल्मों में ये होता है और मुझे बहुत मजा आता है, बहुत प्यार से अपनी फिल्मों की कास्टिंग करती हूँ। तो मतलब ये अफवाह नहीं है? अफवाह नहीं है, ये सच्चाई है। ओके, ट्रू है। अर्शद भाई आपके बारे में ये अफवाह कि आपको अपनी बाइक से इतना प्यार है कि आप मॉर्निंग वॉक पे भी बाइक से जाते हो? नहीं, बाइक पे बैठ के चला जाता हूं। पर सीरियसली भाई यार इतना नहीं है, मतलब मॉर्निंग में उठता ही नहीं अर्शद। नहीं, मैं जी मेरे पास ये अफवाह है। आपको पता है मैं सुबह 4:30-5 बजे उठता हूँ, और ये अभी नहीं है, ये स्कूल से है। ये खाली मेरी शक्ल ऐसी बदमाश हुई, मैं हूँ नहीं। नहीं, मैं मुझे बाइक का बड़ा शौक है, बट मैं उतना पागल नहीं हूँ जितने मेरे दोस्त हैं। तो या बट मैं जाता हूँ, सुबह इज बेस्ट टाइम है राइड के लिए। ओके, माही आपके बारे में ये अफवाह कि स्कूल में लड़के आपसे डरते थे, माही गिल की जगह माई गिल कह के आपको तंग करते थे, आपस में लड़ते थे। रिम्पी दिल बोलते थे मुझे। क्या बोलते थे? रिम्पी, दैट्स माय अदर नेम। ओके, रिम्पी दिल। वो हिस्ट्री की एक बुक्स होती थी, उसके ऊपर वो लिखा होता, जब मैं वापस क्लास अटेंड करने जाती थी, रिम्पी गिल दे दे मुझे दिल, आकर मुझे मिल, नहीं तो मैं कर दूंगा अपने हार्ट में ऐसे कुछ था, समथिंग लाइक सो दे मेड इट। हां, उसका वो पूरा वो बनाते थे। वाह, ये आपने अपने बनाई है ना? नहीं, मैं अफवाह नहीं है, ये हकीकत है। ओके, भूमि अफवाह ये है कि वजन जब आपने कम किया पहली फिल्म के बाद, उसके बाद से आप सिर्फ शुक्रवार को तला हुआ खाती हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी फ्राइडे बोलते हैं। ये एंडिंग मैंने बताया, ये एंडिंग है, ये मुझे लग रहा है लॉकडाउन में चीजें हुई हैं। कपिल ने जो लॉकडाउन में अपना खजाना इकट्ठा किया था उसमें से एक है, और उसके सारे मेरे पे ही आ रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों। अच्छा भाई आपके बारे में ये अफवाह कि जया बच्चन जी आपको अल्पचिनो कह के बुलाती थी, तो आप इतने खुश हो गए कि आप तो अपनी पेमेंट भी मांगना भूल गए। नहीं, मांगने का सवाल नहीं, मिलती नहीं तो मांगना। पर वो आपको ऐसे बोलती थी? हाँ, वो एक्चुअली उन्होंने एक बार कहा कि बोला आई वांट टू सी यू डू लाइक एन अल्पचिनो रोल, स्कारफेस, दैट रोल शी सेड यू डू वेरी वेल। नहीं, कपिल बोला अल्पचिनो, सो आइदर फ्रॉम मिडिल ईस्ट और पंजाबी। अल्पचिनो मैं उनसे दुबई में मिला था, लोकैलिटी के हिसाब से नाम बदल जाता। वैसे नाम है क्या उनका? अल्पचिनो। भाई आपके बारे में ये फायदा कि आपको टॉम क्रूज इतने पसंद है, टॉम क्रूज तो ठीक बोला ना मैंने? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। टॉम क्रूज आपको इतने पसंद है कि आप प्लेन की जगह क्रूज में ही जाना पसंद करते हैं? करण अभी आप नए नए आए हैं, तो आपके बारे में ये अफवाह है कि आपके बारे में कोई अफवाह है? यू आर डांसर राइट? नो नो नो, नॉट एट ऑल सर, आपने देखा अभी? नहीं, वो तो मैं भी नहीं कर पाई अच्छे से। ये तो क्लासिकल वाला डांस, ये जैकेट में मेरा जो हैंड मोशन है थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है, इसके बाद काफी ब्लड क्लॉट्स है मेरे एल्बो के पास। तो एक्टर है शो पे बैठा और बोले तुझे कुछ आता नहीं, ऐसे मत बोला कर। सॉरी सर, सॉरी, यू आर राइट, बहुत अच्छा डांसर, आई कैन डू एवरीथिंग, बहुत अच्छा डांसर। ये क्या परछाइयां रखी हुई हैं यहाँ पे, इसमें इंसान भी डलवाओ। नमस्कार। नमस्कार जी, आपकी स्कर्ट लंबी हो गई, इतने सालों से पहनी है तो नीचे ही होती जा रही है, वैसे तो ऊपर होती है। वैसे जन्मदिन के आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। मैं आशा करता हूं कि आज का दिन आपके लिए बहुत ही उमंग और तरंग से भरा हो। एक मिनट बाबा रुक जाइए, जन्मदिन की शुभकामनाएं देते नहीं है, लेते हैं। उनको बोलना कोई शुभकामनाएं दे ही नहीं रहा है। मैं आज सच में धर्मपाली का बर्थडे है, धर्मपाली हैप्पी बर्थडे, वी लव यू, गॉड ब्लेस यू। वहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ खड़ा हूँ मैं यार, असली वाले धर्मपाली का बर्थडे है, पता है मुझे। लेकिन बाबा स्क्रिप्ट के हिसाब से बर्थडे मेरा है। आपकी शुभकामनाएं मांग रहे हैं बाबा, बर्थडे तो आज मेरा है।
अबे तेरा नहीं, आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। आज के दिन मैं पैदा हुआ था। ये आपकी गलत फैमिली है पापा, आज के दिन मैं पैदा हुआ था। अरे बेटे तू तो इतना सा था, तुझे कैसे पता कि तू पैदा हुआ था? तो आप भी जब पैदा हुए थे आप भी इतने से थे, आपको कैसे पता कि आज के दिन आप पैदा हुए थे? हाँ तो मेरे पापा ने मुझे बताया था, तू भी जाके अपने बाप से पूछ ले। एक मिनट पापा, मेरे पापा तो आप ही हैं। आपने तो मुझे बताया था कि आज के दिन मेरा बर्थडे है, मैं पैदा हुआ था, आप पैदा नहीं हुए थे। अरे जब मैं ही पैदा नहीं हुआ तो तू कहाँ से पैदा हो गया? यहाँ पे बाप ही पैदा नहीं हुआ, बेटे पैदा हुए जा रहे हैं। यार ये क्या है, पहली बात बता बेटा, पहले मुर्गी आई थी कि अंडा? ये मुझे कैसे पता चलेगा पापा, ये चीजें मुझ तक पहुंचती कहाँ, आप पहले ही चट कर जाते हैं। दादा चट चट ना कर, ये चट चट करके ना एक दिन फट जाएगा तू। बात कर रहा है, यहाँ गेस्ट हैं बात करने, मैं भी बैठ के बात करूंगा एक मिनट। बाबा कुछ अरे रुक जा बेटे, इतने सीनियर आर्टिस्ट हैं, आशीर्वाद लो, हट। बैठिए बाबा। हमने इस शो में सीख लिया है कि कुर्सी कैसे छीनी जाती है। और शो में जो है जगह मिलती नहीं, खुद बनानी पड़ती है। ये बात सही है। अरशद वारसी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछे। जिस दिन आप पैदा हुए थे कौन सा वारसी? उस दिन केड़ा वारसी? बाबा ये वाला बहुत फनी था बाबा, बहुत ज्यादा फनी था। ऐसा टाइप का मैं भी एक सुना दूं बाबा। अरशद वारसी जी, अभी सोनी लिव पे एक सीरीज आई थी स्कैम नाम की। हाँ। अच्छा हुआ आपने वो सीरीज नहीं की, वरना आप अरशद से हर्षद हो जाते। माइंडलेस किड, क्या बकवास है ये, अरशद का हर्षद कर दिया तूने, व्हाट इज दिस? आपने अरशद वारसी का केड़ा वारसी का, वो बहुत अच्छा था। आपका चुटकुला चुटकुला, मेरा चुटकुला माइंडलेस किड। वाह बाबा ये कैसा सियासी खेल खेल रहे हैं मेरे। अरे कब तक सियासी पे अटका रहेगा, कभी 88 खेल। कभी 99 खेल। सेंचुरी कब बनाएगा तू बेटे? ये मजदूर का हाथ है पापिया, सेंचुरी को पिघलाकर उसकी दो हाफ सेंचुरी बना देता है। आवा इन बातों में कुछ नहीं रखा है, यहाँ देखिए भूमि जी भी आई हुई हैं। वाह वाह भूमि जी, बहुत बढ़िया कलाकार हैं। वो तो हैं। एक वक्त था जब हम भूमि पे सोफे रखते थे, आज सोफे पे भूमि बैठी हुई है। गुड वन पापा, गुड वन। ये आपकी फिल्म का प्रोमो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। इतनी बड़ी हवेली, बुलाओ हमें कभी हवेली पे। अर्षद जी आप भी आइएगा साथ में बैठ के। बिल्कुल। थोड़ा आवा एक मिनट, क्या इशारा कर रहे हैं? मैं डमरू बजा रहा हूँ। आवा डमरू ऐसे नहीं बजता है। तो पता है तो पूछ क्यों रहा है फिर? आवा आजकल ये बहुत ज्यादा हो रहा है आपका। अर्षद जी भूमि जी मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ दिन पहले हमारे घर के पास एक लेडी संगीत था। पापा 4 मिनट के लिए टेंट के पीछे गए और जब वापस आए तो इलायची खा रहे थे। हाँ तो मैं वहाँ गजरेला खाने गया था, उसके अंदर इलायची होती है ना, मैं चबा रहा था उसमें क्या हो गया। वाह मेरे प्यारे पापा, इतने गजरेले खाए आपने वहाँ पे? यही कोई 90-90 के। पकड़ लिया पापा, पकड़ लिया, गजरेला कोई 90-90 का नहीं होता है। 90-90 ग्राम के खाए थे मैंने। और इतना चिल्लाता क्यों है, बीपी लो हो जाता है। बात कर रहा है ऐसे ही करता है। उस दिन मैं रात को उठा, मुझे लगा ये सो रहा होगा, मैंने फ्रिज खोला, फ्रिज में बैठा हुआ था ये। फिर बर्फ बर्फ निकाल के लेके गया हूँ,
दिसंबर के महीने में बर्फ चूस के सोया हूँ मैं। मैंने इस दिन के लिए तुझे बड़ा किया था कि तू बड़ा होके बाप को डराए। मैं डरा तो नहीं हूँ पापा आपको, केयर करता हूँ मैं आपकी, लेकिन आपको अगर ये सही नहीं लग रहा है ना बाबा तो ठीक है, आज के बाद मैं आपसे बात ही नहीं करूँगा, बात नहीं करूँगा आपसे पापा, ठीक है? क्या बोल रहे आप पापा? रोना नहीं। रो बच्चा। सर प्लीज खुला दिया। मेरा बेटा बहुत होनहार है। देख आंसू देख। बेटा ये गेस्ट आए हैं। आए तो हैं। इनको एक बार किंग कॉन्ग बन के दिखा। ये बहुत अच्छा किंग कॉन्ग बनता है ये। बाबा बैठ करके दिखा। ऐसे सबके सामने बाबा। हाँ तो क्या बेटे, वो खुश होंगे, वो शाबाशी देंगे। ओके हाँ किंग कॉन्ग बन के दिखा रहा हूँ। भूमि देखिए, ये कोई किसी का बेटा नहीं कर सकता। मुंबई का किंग कौन, फिल्म इंडस्ट्री का स्टार कौन, तेरा बाप कौन? पापा, I love you पापा। ते मेरे बहुत। मेरा बेटा छा गया। Just need your blessings, Papa. Need your blessings. Always, beta. I love you, beta. Thank you, Papa. ये क्या कर रहा है? Sorry. Sorry, महफिल में ये। नहीं, Papa. Very good, Papa. अच्छा किया ना मैंने? बहुत अच्छा किया आपने, Papa. माई जी, thank you. Thank you. मुझे मेरी परफॉर्मेंस पे मजा आ गया। मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको गले लगा लूं। बाबा, ये परफॉर्मेंस देने वाला नहीं कहता, देखने वाला कहता है। हाँ तो कह क्यों नहीं रही है वो फिर मुझे? उनकी मर्जी ना पापा। अच्छा, फिल्म भी उनकी, मर्जी भी उनकी, मेरा कौन? तू? हाँ तो पापा, अपने तो अपने होते हैं ना। बार बार इमोशनल मत किया। बस कर रहे, हो गया तेरा बार बार पैं 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 लगा रखा है। और बेटा, सॉरी, हाँ बेटा, बहुत बढ़िया, ये वाली फिल्म आपकी हिट है, आगे भी बहुत सारी हिट होंगी। थैंक यू सर। बस जीवन में एक ही चीज का ख्याल रखना, मेहनत। मेहनत लगन बहुत बड़ी चीज होती है। मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार मुंबई आया था, मेरी पहली लाइन क्या थी? मेरी जेब में 1500 रुपए थे। तेरी जेब में 1500 रुपए थे? हम यहाँ ऑटो से क्यों आए? हम कैब में भी आ सकते थे बेटा। बाबा, मेरी जेब में नहीं, आपकी जेब में 1500 रुपए थे। मेरी जेब में तो 1 रुपया नहीं है। अरे बाबा, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 20 साल पुरानी बात अभी क्यों बता रहा है मुझे? पापा यार, रहने दो। मेरे से गलती हुई कि मैं आपके साथ आया। हाँ, गलती याद आ गया, मेरे से गलती हो गई थी। मैं बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ गया, यू नो चर्च गेट? यस। अरे उस वक्त पे गेट था ही नहीं, सिर्फ चर्च था। हाँ, गोरे गांव में गांव नहीं था, अंधेरी में उजाला था, और दादर बिना फादर के था। एक वक्त था बंबई में, आप जानते हैं। बाबा, आपसे दही सर और नाला सुपारा पे कुछ बना नहीं? सब कुछ मैं ही बनाऊं, तू कुछ नहीं बनाएगा हैं? ऐसा मत कहिए बाबा, इस बर्थडे के लिए बर्थडे का केक मैंने बनाया अपने हाथों से। अरे बेटा, तूने तो सिर्फ केक बनाया है, लेकिन केक काटने के लिए मैंने तुझे बनाया है। अगर मैं तुझे नहीं बनाता तो तू केक कैसे बनाता? है ना बेटे? बात भी सही है बाबा। हाँ, अब मंगवाओ यहाँ पे, केक कहाँ है? केक ले आइए। केक कहाँ है? ओह गॉड, कम ऑन।
There's an actual cake. Wow. Oh, wow. मैं चाहता हूँ आप लोग भी ज्वाइन करें बर्थडे बच्चे का मेरे जी जी आई, नाम आई। खाली मेरा ले रहा था लेकिन ये सरप्राइज है मेरे पापा के लिए क्या पापा आज आपका बर्थडे है ये केक आपके लिए है पापा देखा आपने जी धर्म जी फार्म हाउस पे बैठे हैं हाँ। लेकिन हम उन्हें कितना प्यार करते हैं कि आज उनका बर्थडे मना रहे हैं हम बिल्कुल बिल्कुल ये मैं चाहता हूँ आप लोग भी काटिए प्लीज हैप्पी बर्थडे टू यू Happy birthday to you. Happy birthday, dear Papa. Happy birthday. Happy birthday, Darbali. We love you. Papa. ये क्या खा रहा है? कैंडल कौन खाता है? Darbali है. एक कलाकारों को हमारे आए जो उनको धन्यवाद भी बोलना है हमने आज बर्थडे तो मना ही लिया है अर्शद भाई भूमि माही करण थैंक यू सो मच हैप्पी बर्थडे ऑल द बेस्ट क्या बात है आपको दुर्गामती के लिए और आपके आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए थैंक यू सो मच आप लोग यूं ही हंसते रहें मुस्कुराते रहें किसी से भी मिलते वक्त दो गज की दूरी रखें दो गज की दूरी अटैक करवाएगा तू क्या कर रहा है मैं बता रहा हूं बाबा डर के नहीं मास्क जरूर पहने और हाथ तो धोते ही होंगे आप और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो वेरी गुड बाबा बाय थैंक यू भूमि थैंक यू सो मच फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.